होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सुपौल यूनिट के एक बैठक भेल। होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया सुपौल यूनिट के आम बैठक मुनि आश्रम होम्योपैथी क्लिनिक सह यूनिट कार्यालय में भेल, जकर अध्यक्षता केंद्रीय प्रतिनिधि डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद जायसवाल कयलनि। बैठक में महिला डॉक्टर मनोरमा देवी एवं जिला के तमाम होम्योपैथी चिकित्सक भाग लेलनि। बैठक के दौरान चिकित्सा सेवा में आबि रहल समस्या एवं यूनिट कार्यकारिणी समिति चुनाव पर चर्चा भेल। आज होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन सुपौल यूनिट की बैठक है। इस बैठक में आज की बैठक में यूईसी का चुनाव है, जिसमें यूनिट कार्यकारिणी समिति का चुनाव हो रहा है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए हमारे डॉक्टर जोगेंद्र प्रसाद जायसवाल जी को सर्वसम्मति से चुना गया। साथ ही सचिव पद के लिए मैं डॉक्टर आरपी शाह का चुनाव किया गया। उपाध्यक्ष के लिए डॉक्टर ललकेश्वर शाह, डॉक्टर जयप्रकाश गुप्ता, डॉक्टर हरिया नायक पंडित तीन उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कोषाध्यक्ष डॉक्टर गुरुदेव गुप्त जो है बने हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत से हमारे होम्योपैथिक चिकित्सक मौजूद हैं, डॉक्टर प्रवेश कुमार प्रभाकर, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार मंडल, डॉक्टर एस एन शाह जी, डॉक्टर फुलदर प्रसाद जी, डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल, डॉक्टर जयप्रकाश गुप्ता एंड डॉक्टर हरिया नारायण पंडित, डॉक्टर होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन सुपौल यूनिट में 1990 से गठन है। यह एसोसिएशन हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते आ रही है। 1990 से लेकर 2004 के बाद में, 2008 के बाद में यह जो है हर जगह पर होम्योपैथिक कैंप लगाकर जो है सभी व्यक्तियों को राहत पहुंचाने का कार्य किया। यहाँ तक जिला पदाधिकारी के द्वारा भी हम लोग को समर्थन मिला और उन्होंने जो है कैंप लगाने के लिए हर भारत क्षेत्र में, और आगे भी हम लोग सोच रहे हैं जो होम्योपैथिक से सभी गरीबों से गरीबों तक के लाभ मिल सके। होम्योपैथी का ऐसी चिकित्सा है जो इजी वे में किया जा सकता है, या जेंटली रैपिडली एंड परमानेंटली चिकित्सा पैथी है। इसमें जो है सुलभ सस्ता इलाज किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथिक से बीमारी ठीक होती है। पुराने बीमारी के लिए तो यह अमर ही सिद्ध होता है। सुपौल में शराब कारोबारी के अखन सामत आयल, कोनो दिन एहन नहीं बीत रहा है जहिया शराब कारोबारी पकड़ल नहीं जा रहा हुआ और शराब नहीं पकड़ल जा रहा हुआ। सुपौल जिला में आइकाल्हि शराब कारोबारी के सामत आयल, कोनो एहन दिन नहीं बीत रहा है जहिया जिला के कोनो न कोनो क्षेत्र में शराब पुलिस के हाथ जब्त नहीं भ रहा हुआ। आए दिन शराब और शराब कारोबारी गिरफ्तार भ रहा है, लेकिन इस सबके बावजूद शराब माफिया के हिम्मत पस्त नहीं भ रहा है। जतेक पुलिस पकड़ रहा है ओहिसँ कहीं ज्यादा मात्रा में शराब के सप्लाई पहुंच रहा है। आखिर एकर वजह की अछि, कहां चूक भ रहा है और के एहिमे शामिल अछि, किएक तऽ एहिमे पुलिस विभाग और राजनीति महकमा के बिना सह के ई खेप नहीं पहुंच सकैत अछि। तैं पुलिस सिर्फ छापामारी पर ध्यान नहीं दिया बल्कि अपना भीतर छुपल विभीषण के सेहो खोज निकाले। शराब की कार्रवाई रात में की गई है, रात में रात्रि गश्ती और रात में इस टाइम समकालीन अभियान भी था, उसी के तहत हम लोग रात्रि गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना मिलने पर निर्मली थाना के पुलिस पदाधिकारी दल बल की सहायता से सूचना मिलने पर कार्रवाई ग्राम महुआ में की गई है। बरामद कितने बोतल शराब हुए हैं? बरामद पिकअप वाहन में बोरों में बना हुआ, जिसमें करीब 4500 के करीब बोतल है। जब क्या सब किए गए? कैसे लाया जा रहा था शराब? उसको व्यवसाय करने के लिए उसको बराबर उन्हें ले जाता था, ये लोग ले आता था, और ले जाने के लिए तैयारी कर ही रहा था कि सूचना मिली तो हम लोग वहां पहुंच गए। पुलिस को आने की भनक सूचना मिलने पर अब अंधकार का लाभ उठाकर उसको अपराधी निकल गया, लेकिन पिकअप वाहन को और शराब को और मोटरसाइकिल, जो गाइडलाइन देने वाला मोटरसाइकिल होता है ना, आगे आगे जाने वाला, उसको भी बरामद किए और थाना में ले जाकर सुरक्षा रखे। समस्तीपुर।